दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यकरण के दौरान धार्मिक स्थल गिराए जाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस भी अब इस घमासान में कूद पड़ी है। सियासी बयानबाजी के अलावा आज कुछ हिंदू संगठनों के लोग चांदनी चौक पहुंच गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एक तरफ नजफगढ़ में सुंदरकांड पाठ रखा गया। दरअसल चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके लिए वहां मौजूद धार्मिक स्थल गिरा दिया गया। इस मसले पर अब सियासत भी तेज हो रही है। दोनों पार्टी इस मसले को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये स्थल केजरीवाल सरकार द्वारा तोड़ा गया है, तो वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि ये धार्मिक स्थल बीजेपी द्वारा तोड़ा गया है। चांदनी चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को दिल्ली प्रशासन के द्वारा एक राजनीतिक और प्रशासनिक षड्यंत्र के द्वारा गिरा दिया गया है। दो दिवस पहले हुए इस घृणित कार्य को हम कड़ी निंदा करते हैं। 1974 से ये मंदिर वहां पर था। चांदनी चौक के सभी निवासियों को, सभी हिंदू प्रेमियों की संस्कृति और दिनचर्या में उस मंदिर में आना जाना और अपने भगवान का आशीर्वाद लेना सोच में आ चुका हुआ था। इस मंदिर को इस तरीके से गिराना ये हम सब की समझ से बाहर है। 2016 में, 2018 में और 2019 में जो SRDA की कंसल्टेटिव रीजनल कमेटी बैठती है, उस रिलीजियस कमेटी के सभी घटकों ने ये कहा कि इस मंदिर को यहीं पर ही हम रहने देंगे। पर उसके बाद भी जब हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर के अंदर ये आदेश दिया कि दिल्ली सरकार इसमें एफिडेविट फाइल करे, तो दिल्ली सरकार ने एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा इस एफिडेविट को फाइल नहीं किया और उसी की परिणति है कि आज एक इतना पुराना मंदिर गिरा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद इस कार्य की कड़ी निंदा करता है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि उसी स्थान पर मंदिर दोबारा से बनाया जाए। इस मांग को लेकर जब तक ये पूरी नहीं होगी हम रोष प्रदर्शन करेंगे। आज के रोष प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मिलकर गिरफ्तारी दी है और आगे इससे भी बड़ा रोष प्रदर्शन होगा अगर हमारी ये मांग को पूरा नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा सबके साथ कि जन आक्रोश भी बहुत ज़्यादा इस विषय को लेकर उभरा हुआ है और वहाँ पर चांदनी चौक की जनता, आम जनता भी बहुत ज़्यादा क्रोधित है। तो ये दिल्ली प्रशासन से निवेदन है, उनसे मांग है कि वो जल्दी से जल्दी इस मंदिर का दोबारा से पुनर्निर्माण उसी स्थान पर कराएं। जिसके चलते वहां हिंदू संगठनों के लोग पहुंच गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली भाजपा ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन करके धार्मिक स्थल को पुनः स्थापित करने की व्यवस्था करे। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा शासित MCD ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना धार्मिक स्थल तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने के लिए वो आप पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने धार्मिक स्थल तोड़े जाने के लिए MCD और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल मामला गरमाया हुआ है। लगातार धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण की बात चल रही है। देखना भी होगा कि ये मुद्दा कैसे शांत होता है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए कर्ण ठाकुर के साथ नवीन निश्चल की रिपोर्ट, दिल्ली।